नहीं, क्वेश्चन 15 बाकी है ना, 13 हमने देखा था, राइट? हाँ, नाउ क्वेश्चन 15। सो सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्वेश्चन नंबर 15 इज टेलिंग दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस है। हाँ, ये देखा देखा क्वेश्चन था लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये क्या होगा? और आपका ऑप्शंस नहीं, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, 15 में 16 का लिख दिया, माय मिस्टेक, दिस इज क्वेश्चन 16। ओके, एंड वेट, आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, आई एम नॉट हाँ एबल टू रीड योर चैट्स। ओके वेट, सो दिस इज क्वेश्चन 16, 16 में डाउट नहीं है, क्वेश्चन 15। सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन बाई एच एफ ऑफ वन प्लस एच इज इक्वल टू फाइव, देन एफ डैश वन। ओके, सो इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एच एफ ऑफ वन प्लस एच इक्वल टू फाइव, देन व्हाट इज एफ डैश वन? 6, 5, 4, 3, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सो कैसे करेंगे? एफ डैश वन अगर मुझे चाहिए तो आइदर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो, आप वहां से डिफरेंशिएशन करो, फिर उसमें एक्स इक्वल टू वन रख के कर सकते हैं, और एल्स हम उसकी फार्मूला यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन की फार्मूला हमारे पास, हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, बोलो। सो एक है हमारे पास लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, राइट, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी माइनस एक्स, एक्स एक है हमारे पास, यस यस हाँ, एक है हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, इफ आई वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू ए, विच इज कॉल्ड योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो अगर मुझे एफ डैश वन फाइंड करना है, सो डेफिनेटली एफ डैश वन इज इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस, सॉरी, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाय एच, सो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाय एच। ओके, चलो अब यहाँ से हम एफ डैश वन कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन होल डिवाइड बाई एच। हमें वन अपॉन एच एफ ऑफ वन प्लस एच दिया है, ठीक है, अगर ये एच में दोनों जगह दे दूं तो ये वैल्यू मेरे पास है। अब मुझे एफ ऑफ वन बाई एच फाइंड करना है, राइट, वेयर योर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बोलो कैसे मिल सकता है? तो ये सेम केस है जैसा हम लिमिट वाले केस में करते थे, लिमिट वाले केस में ऐसा डिस्कशन हम कर चुके हैं, समझना। एफ डैश वन हमें फाइंड करना है, और हाँ, सो समझना यहाँ पे, सो एफ डैश वन आपको फाइंड करना है, और एफ डैश वन के अगर आप सारे ऑप्शंस देखें तो आपको दिया गया है यहाँ पे 6, 5, 4, 3, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी ही आंसर आने वाली है। ओके, अब यहाँ पे आरएचएस को अगर समझो तो एलएचएस आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आएगा वो फिक्स है, आरएचएस में एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एफ ऑफ एच, अगर मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच माइनस एफ ऑफ वन बाई एच दोनों को मिल जाएगी लिमिट सेपरेटली। ओके, इसको भी और इसको भी। अगर मैं दोनों को लिमिट सेपरेटली दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 5, ये मेरे पास कोई फाइनाइट आंसर है। ओके, तो ये एफ ऑफ वन बाई एच है, अब यहाँ पे भी लिमिट अबो बिलो दोनों को मिल जाएगी, तो डेफिनेटली ये फाइनाइट आंसर है, ये 5 है, तो इसका भी फाइनाइट आंसर आना चाहिए। ओके, एनी फाइनाइट आंसर। नाउ
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन बाई एच, वो आपका होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन डिवाइड बाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलना चाहिए फाइनाइट एफ ऑफ वन बाई एच। ओके, ये आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। कैसे? तो यहाँ से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो, ये तो जीरो ही है। चलो अब ये फाइनाइट आंसर कब मिलेगा? जब ये जीरो होगा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा तो फाइनाइट आंसर मिलेगा, क्योंकि जीरो बाई जीरो को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर ये आपको कोई जीरो नहीं आ रहा, अदर देन जीरो आ रहा है, राइट? याद आ रहा है ये सारी चीजें लिमिट में समझाई थी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बस फर्क ये है कि लिमिट वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता था कि अगर ये फाइनाइट है, इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो इधर क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ऑप्शन से और उससे सोचना है। ओके, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन, यहाँ इसके पास दो ऑप्शन है, इधर वो जीरो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बट अगर वो जीरो होगा तो हमारे पास फॉर्म आएगा जीरो बाई जीरो, और जीरो बाई जीरो को हम सिंप्लीफाई करके फाइनाइट आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, अगर पॉसिबल हो तो। बट अगर जीरो नहीं हो तो वो वन अपन जीरो ही रहेगा, या कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर डिवाइड बाई जीरो रहेगा, सो विच इज नॉट फाइनाइट एट ऑल। वो तो कोई कंडीशन में फाइनाइट नहीं होगा। यहाँ पे हम फाइनाइट ला तो सकते हैं। ओके, तो फाइनाइट होने के लिए एफ ऑफ वन की कंडीशन क्या होगी? योर एफ ऑफ वन शुड बी जीरो, इजंट इट? सो ये फाइनाइट होने के लिए आपका एफ ऑफ वन जीरो होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हुई? शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? ये लिमिट में कराई थी, राइट? मतलब बहुत टाइम हो गया, सो वी ऑल आर गजनीज, भूल गए होगे। न्यूमिरेटर कैन ऑल्सो बी इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट बाई जीरो, इनफाइनाइट जीरो वाला कोई फॉर्म पढ़े हो? इनफाइनाइट बाई जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी हम पढ़े थे ना? हाँ, इनफाइनाइट बाई जीरो नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप हम नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, हाँ, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन टेंस टू जीरो। ओके, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन, राइट? और यहाँ पे आप क्वेश्चन में ये देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन में दिया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसलिए इसलिए इसके कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो आएगी। सो अब हम इसका यूज करते हैं। सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन में दिया गया ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन डेफिनेटली इट इज कंटिन्यूअस, एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो, वही आपका एफ ऑफ वन हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन विल बी इक्वल टू योर जीरो। Now, अब एफ डैश वन में वापिस जाते हैं, जो हमें फाइंड करना है, तो एफ डैश वन विल बी इक्वल टू, नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन आपका जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, तो इधर आपको बचेगा एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच। ओके, और वो आपका क्या है? फाइव। सो दिस विल बी योर एफ डैश वन। इज इट क्लियर नाउ? ओके, ओके, तो हर्षा ने अलग मेथड किए, क्वेश्चन में ही एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, तो एफ डैश वन प्लस एच, बट वो एल हॉस्पिटल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच जीरो हो। ओके, हाँ विष्णु, वेट। So, okay, हाँ, एल हॉस्पिटल आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच ये आपका जीरो हो, राइट? जीरो बाई जीरो, इसके बारे में हमें पता नहीं है ना ये क्या होगा, तो इसलिए एल हॉस्पिटल हम यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
तो कर सकते हैं यस, बिकॉज इट इज फाइनाइट, तो वो आपका जीरो होना चाहिए यस। तो ये आपका हो गया एफ डैश वन प्लस एच, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के बाद आपको मिला एफ डैश वन प्लस एच बाई एच इक्वल टू फाइव, तो एफ डैश वन प्लस एच इक्वल टू फाइव, फिर आपने लिमिट एच टेंस टू जीरो रख दिया, तो तुरंत हो गया राइट, वन स्टेप गेम। ओके सो एफ डैश वन इक्वल टू जीरो फाइव, ओ गुड गुड ग्रेट। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई करके कर सकते हैं। ओके गुड, वन स्टेप गेम। ओके विष्णु कुछ पूछ रहे थे, बोलो विष्णु। वेट लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। हाँ विष्णु बोलो। सर एफ डैश वन एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो, देन एफ डैश वन इक्वल टू जीरो, व्हाट इज एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो? नॉट नेसेसरी ना, वो डिपेंड करेगा ना आपका ग्राफ का कर्व कैसा जा रहा है राइट। सी एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो है तो वहां से हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते राइट। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन होता है, उसका हम ग्राफ एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसके अंदर हम एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं ओके, या वन रखते हैं, यहाँ पे वन है तो एफ डैश वन का एफ ऑफ वन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस अनटिल एंड अनलेस वो कोई इनफाइनाइट आंसर ना हो ठीक है, क्योंकि तब वो वहां पे डिफाइन ही नहीं होगा, वो वहां पे डिफाइन ही नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। सो इज इट क्लियर? सो एफ ऑफ वन जीरो है तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफ डैश वन आपका जीरो होगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यू कैन टेक वन एग्जांपल एज वेल राइट। हाँ कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज साइन एक्स ले लो, तो एट जीरो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर मैं साइन एक्स ले रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स राइट, और चेक करो जीरो पे, तो यहाँ पे आपका एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा, कॉस जीरो वन, बट यहाँ पे आपका एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो साइन जीरो इज जीरो, तो भले एफ ऑफ जीरो जीरो है बट एफ डैश जीरो वन मिल रहा है। ओके चल सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका हुआ क्वेश्चन 15, नाउ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 17। अरे हाँ ये संडे आपका M11 रखा है ना, M20 नहीं रखा राइट, M20 भी रख सकते हैं बट नो इश्यू, पहले M11 दे दो, M20 नेक्स्ट संडे रख देंगे। एंड सी ओवर हियर, पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडे इज अवर मंडे, आज वेडनेसडे राइट, नाउ वी आर हैविंग अवर क्लासेस ऑन थर्सडे एंड सैटरडे ठीक है। सो वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे, आज की क्लास तो खत्म, टीपीपी बच जाएगा और टीपीपी के लिए एक क्लास चाहिए ठीक है, तो चैप्टर नंबर 20 टीपीपी के लिए एक क्लास लगेगा, और M20 में ही एक हमें प्रीवियस ईयर का लेना है ठीक है। बट आई थिंक सिंस संडे हमने M11 की एग्जाम रखी है, तो सैटरडे वाली क्लास में M11 का डाउट सॉल्विंग ले लें, मतलब M11 के प्रीवियस ईयर राइट, लिमिट के प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लो, तो उसका डाउट सॉल्विंग सेशन रख देते हैं सैटरडे, थर्सडे टीपीपी खत्म कर देंगे ठीक है। वेडनेसडे तो आज का तो खत्म हुआ, और फिर जब नेक्स्ट मंडे आओगे तो M11 का टेस्ट डिस्कशन करके हम वो कर देंगे आपका M20 का, फिर मतलब उसके बाद M20 के प्रीवियस पेपर पे जा सकते हैं, और हमारा बचा है M14 एडवांस टेस्ट का डाउट सॉल्विंग ठीक है। वो ये संडे मेरा क्या शेड्यूल हो रहा है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर संडे पॉसिबल है तो संडे ले लेंगे M14 का डाउट सॉल्विंग, क्योंकि वो बच रहा है। हाँ ओके तो हाँ वैसा ही होगा, नेक्स्ट मंडे अगर हमारा टेस्ट डिस्कशन सेशन जा रहा है M11, तो नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा हो जाएगा M20 प्रीवियस ईयर ओके, या उसमें और अगर ज़्यादा डाउट है तो फिर थर्सडे यहाँ पे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, थर्सडे एंड सैटरडे।
इज इट क्लियर? राइट, इस तरीके से हम जा रहे हैं इसमें किसी को. नेक्स्ट एम की मुझे नहीं पता. संडे का शेड्यूल मेरा फिक्स नहीं है क्योंकि संडे एग्जैक्टली वो हो सकता है. राइट, एक जो बीटेक कॉलेज के बारे में जो मैं बात कर रहा था वहां गेट का सेशन हो सकता है. ये तो 11th का चैप्टर है. हाँ आई एग्री. हाँ अगर ये आपको नहीं चाहिए तो रख देंगे, मतलब क्योंकि ये हम ले रहे थे ना आपके क्लास 11th के चैप्टर में भी, तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का नहीं कर पाया था डाउट सॉल्विंग, इसलिए अभी हम कर रहे हैं. राइट, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे हम M14, और मैं सोच रहा हूँ ये संडे संडे ये M14 का डाउट सॉल्विंग करने का सोच रहा था संडे. राइट, बट वो संडे का क्या शेड्यूल रहेगा मैं आपको बताऊंगा, वो संडे हमें खत्म करना है. ओके हाँ, सो ये संडे आपका M11 रहेगा एंड नेक्स्ट संडे आपका M20 रहेगा. ओके क्योंकि वो इधर आपका खत्म हो जाएगा तो M20 और यहाँ पे हम M21 स्टार्ट कर सकते हैं. तो M14 ये संडे मेरा प्लान है. राइट, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये संडे खत्म हो ही जाए क्योंकि वो कब से वो चल रहा है. ठीक है. ओके सो फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट दे वांट डाउट सॉल्विंग ऑफ M11. ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस डाउट सॉल्विंग, जस्ट रेज योर हैंड. M11 का डाउट सॉल्विंग चाहिए प्रीवियस पेपर्स का. ओके सो ओनली टू स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड. ओके थ्री, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको नहीं चाहिए पक्का? ओके बाकी सब सो रहे हैं क्या? उनको राधिका, ओके राधिका ने तो हैंड्रीज किया है. कल्पना, सृष्टि, सिंचना, दिलीप, उदय, श्रेया, चलो ठीक है विल सी. ठीक है तो वो कर लेंगे कुछ भी नाउ. ओके सो इट इज ऑलरेडी 3:15, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं और बाकी के आपके TPPs में सॉल्व करूंगा थर्सडे. ठीक है, और प्रीवियस ईयर के लिए ये वाला एक असाइनमेंट बना रहा हूँ, तो M11 का प्रीवियस ईयर आप शुरू करो. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जिसका TPP बाकी है वो TPP करें. TPP खत्म करने के बाद आप M11 का प्रीवियस पेपर शुरू करो. ठीक है, अच्छा वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ है प्रीवियस ईयर, तो अच्छा है ना, बेस्ट. M11 और M20 दोनों एक साथ हो जाएगा प्रीवियस ईयर. ओके एक दिन बच जाएगा. डाउट्स तो आपको व्हाट्सएप में ही भेजने हैं, पर ये जो सॉल्व करोगे इसके एक अलग से बुक बना के आपको वो करना है. डाउट्स आप व्हाट्सएप पे ही भेजो. ओके प्रीवियस ईयर M11 और M20 कर दो. ओके सो मनोज बोल रहे हैं कि सर M11 और M20 दोनों की एग्जाम रख दो संडे. दोनों की इसी संडे रख दो क्या? M11 M20 ठीक है. फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग नो. ठीक है तो M11 M20 का प्रीवियस ईयर साथ में कर लो, तो वो एक ही दिन में हम ट्राई करेंगे खत्म हो जाए, फिर संडे आपके एग्जाम. ओके ठीक है अलग एग्जाम रखेंगे, नो इश्यू. सो आज यहीं तक रखते हैं. मुझे फटाफट बता दो एब्सेंट स्टूडेंट्स कौन है. सो लास्ट क्लास में गौरी और विष्णु एब्सेंट थे. ठीक है, यहाँ पे श्रेया है, विष्णु है, वर्षा है, दिलीप, तमोजित, सौमिक, सिंचना, सृष्टि, राज, इरफान, मनोज. तो इरफान आज शाम को फोन करने की ट्राई करूंगा मैं. हर्षा, हर्षिता, गौरी, ओके एबिन, अभिषेक, राज है ना? राज है. ओके सो आई थिंक एवरीवन इज प्रेजेंट राइट. ओके हाँ, ये संडे सिर्फ M11 ही रखेंगे, नो इश्यू. ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. राइट, दैट इज टुमारो. तो कल हम TPP खत्म करेंगे. ओके.